सब्सक्राइब कीजिए अनपेड गुरुजी चैनल को, दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड गुरुजी। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम सी लैंग्वेज से टू वेरिएबल्स की वैल्यू स्वैप करने के लिए एक प्रोग्राम करेंगे। दोस्तों, प्रोग्राम ऐसा होगा जिसमें हम वैल्यू को स्वैप करने के लिए किसी अदर थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे चैनल के सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सकें। इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो जो प्रोग्राम के टॉप सेक्शन में हम हेडर फाइल स्पेसिफाई करते हैं, वो दो हेडर फाइल हमने यहाँ पर यूज कर ली हैं, इंक्लूड studio.h और conimo.h। जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जो यहाँ पर इंक्लूड है वो एक डायरेक्टिव होता है, और जो कॉनियो और studio.h है वो एक हेडर फाइल है। जो studio.h है वो भी एक हेडर फाइल है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उसे स्वैप कराना है, तो हमने पहले क्या किया, मेन सेक्शन स्टार्ट किया, उसके बाद इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल्स को क्रिएट कर लिया, वेरिएबल x और वेरिएबल y। ये जो x और y हैं ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स में आपको पिछले अपने सेक्शन में वीडियो जो मैंने अपलोड किया हुआ था उसमें स्पेसिफाई कर चुका हूँ कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेरिएबल्स का यूज क्या होता है कि वो किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं या उनके लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं। जैसे सपोज हमें दो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमने दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल x और y क्रिएट कर लिए। इंट यहाँ पर एक डेटा टाइप है, जो इंट है वो यहाँ पर डेटा टाइप है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब हमने एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर टू वैल्यूज, मतलब हम कीबोर्ड से क्योंकि दो नंबर इंटीजर नंबर्स को रीड करेंगे, तो हम एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, एंटर टू नंबर्स या टू वैल्यूज। तो हमने वो प्रिंट ऐप के अंदर स्पेसिफाई कर दिया डबल क्वार्ट्स के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो प्रिंट ऐप होता है उसके अंदर आप जो भी मैसेज या स्ट्रिंग जो भी पास कर देते हो तो वो एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। तो ये जो प्रिंट ऐप है ये क्या करेगा, ये डिस्प्ले करेगा जो मैसेज आपने दिया है, डिस्प्ले कराएगा उसे स्क्रीन पर। अब क्योंकि दो नंबर्स को हमें रीड करना है, तो नंबर्स को रीड करने के लिए क्या चलाओगे आप, स्कैन एफ फंक्शन को यूज करते हैं। तो अब नंबर कौन से लेने, हमें दो नंबर लेने, एक नंबर हम क्योंकि इंटीजर टाइप का, इस वजह से जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा वो परसेंट डी यूज हम करेंगे। इसके बाद देख लेते हैं, अब यहाँ पर जो हमारा स्वैप करने का मेन लॉजिक है वो आ जाता है। सपोज हमने x की वैल्यू ऊपर जो कीबोर्ड से इनपुट कराई है वो कराइए x इक्वल टू, सपोज हम x की वैल्यू हम 10 इनपुट करा लें और y की वैल्यू हमने 20 इनपुट करा ली। जो x की वैल्यू इनपुट कराई वो 10 करा ली और जो y की वैल्यू इनपुट कराई वो 10 कराई। अब देख लेते हैं, ये हमारा लॉजिक है बिना थर्ड वेरिएबल को यूज किए हुए इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करने के लिए, मीन्स x की वैल्यू हो जाए 20 और y की वैल्यू हो जाए 10। स्वैप होने के बाद देख लेते हैं कैसे एग्जीक्यूट होगा। जब हम ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराएंगे x इक्वल टू x प्लस वाई, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट ये कैलकुलेट करेगा वैल्यू वो क्या करेगा, 10 प्लस 20। तो इसका मतलब जो x की न्यू वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30। मतलब x की जो न्यू वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 30। अब जो दूसरा स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बनेगा, y इक्वल टू x माइनस वाई। तो x माइनस वाई हम करेंगे, x की वैल्यू न्यू वैल्यू कितनी है, 30। कितना हो जाएगा, 30 माइनस वाई, वाई मतलब कितना है, 20। तो यहाँ पर जो y कैलकुलेट हुआ वो कितना हुआ, 10। मतलब एक वैल्यू तो हमें मिल गई स्वैप होके, जो y की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10। अब जो थर्ड स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, तो वो क्या होगा, x इक्वल टू x माइनस वाई। मतलब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू अभी भी कितनी है, 30। तो 30 माइनस अब y की जो न्यू वैल्यू होगी वो तो कितनी हो गई, 10। तो अब x यहाँ पर कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 20। तो हमें ये दो जो वैल्यू हैं वो फाइनल वैल्यू मिल गई, मतलब x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 20, और y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 10। तो ये वैल्यू स्वैप होने के बाद निकल के आई हैं। अब इन दो वैल्यू को हम डिस्प्ले करा लेंगे। तो डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग सी लैंग्वेज में कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंट ऐप x इक्वल टू परसेंट डी, y इक्वल टू परसेंट डी, और x और y की जो वैल्यू है वो हम डिस्प्ले करा लेंगे। तो स्वैप होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 10। इस तरीके ये हमारा आउटपुट आ जाएगा इस प्रोग्राम का। चलिए दोस्तों, आगे हम इस पूरे प्रोग्राम को सिस्टम में एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी हमने कॉपी पर दो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्वैप करने के लिए एक प्रोग्राम किया, अब हम दोस्तों उसे प्रैक्टिकली कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हम उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपने टॉप सेक्शन में हेडर फाइल हम लोग यूज कर लेते हैं, तो हेडर फाइल हम वही यूज कर लेते हैं, conio.h और studio.h। तो सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं include conio.h और
उसके बाद यूज करते हैं इंक्लूड शेड्यूल डॉट एच डॉट एच। इसके बाद जैसे कि आप लोग जानते हैं जो वाइड मेन सेक्शन या मेन सेक्शन होता है उसे हम लोग यूज करते हैं, तो मेन सेक्शन हमने लिया। और अब क्योंकि हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू को यूज करना है तो हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट कराएंगे, तो उसके लिए हम पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे एक्स, एक कर लेंगे वाई, क्योंकि हमें थर्ड वेरिएबल लेना नहीं है, इस वजह से हमने थर्ड वेरिएबल को यूज नहीं किया। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब एक मैसेज हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कराते हैं, तो डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा यूज करेंगे फंक्शन, प्रिंटर। उसमें एक मैसेज देते हैं एंटर टू वैल्यूज, मैसेज कोई भी दे सकते हैं, और लाइन चेंज करने के लिए सिलेक्शन यूज कर लेते हैं। इसके बाद जो स्कैनएफ फंक्शन है उसे यूज करते हैं, स्कैनएफ क्या करेगा, दो इंटीजर वैल्यू को कीबोर्ड से रीड करेगा, और रीड करके किस में असाइन कर देगा, असाइन करेगा एक्स में और वाई में। पहली वैल्यू किस में चली जाएगी, एक्स में, और जो दूसरी वैल्यू है वो किस में चली जाएगी, वो चली जाएगी वाई। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब दोस्तों हमें जो हमारा लॉजिक है वो हमें स्वैप कराना है वैल्यू को, तो कैसे स्वैप कराएंगे, एक स्टेटमेंट देते हैं x इक्वल टू x प्लस वाई, देन जो दूसरा स्टेटमेंट है y इक्वल टू x माइनस वाई, और जो तीसरा स्टेटमेंट है x इक्वल टू x माइनस वाई। तो ये तीन स्टेटमेंट हमने दे दिए, अब देखते हैं क्या होगा, प्रिंट है, अब वैल्यू को डिस्प्ले कराते हैं स्वैप होने के बाद। तो स्वैप होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सपोज हमने कहा x इक्वल टू परसेंट d, देन हमने स्लैशन यूज कर लिया, एंड y इक्वल टू परसेंट d, और उसके बाद वैल्यू किसकी डिस्प्ले करानी, x की और y की, तो ये हम यूज कर लेते हैं। देन गेट सी एच यूज कर लेते हैं गेट सी एच स्क्रीन को स्टे करने के लिए। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे रन कराते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट है वो इस तरीके से आता है, एंटर टू वैल्यूज, सपोज हमने x की वैल्यू इनपुट कराई 10 और y की वैल्यू कराई 20। देखो स्वैप होने के बाद दोस्तों ये हमारी वैल्यू आ जाती है, मतलब जो स्वैप होने के बाद जो वैल्यू आती है वो x की वैल्यू 20 आ जाती है और y की वैल्यू 10 आ जाती है। तो हमारा ये प्रोग्राम था कि हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को विदाउट थर्ड वेरिएबल यूज किए हुए हम उसे कैसे स्वैप कराएं। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आपको और भी आगे अच्छे से अच्छे ट्यूटोरियल्स आपको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू।